आज के वीडियो में मुख्य रूप से एमएस एक्सेल के बारे में देखने वाले हैं। यूनिट फोर्थ डीसीए सेकंड डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर डीसीए और पीजी डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर दोनों में ही एमएस एक्सेल यूनिट फोर्थ में दिया गया है और पीसी पैकेज के अंतर्गत। तो यहाँ पर यूनिट फोर्थ की बात करते हैं। यूनिट फोर्थ में मुख्य रूप से क्या क्या प्रश्न है जो आ सकते हैं। एक तो एमएस एक्सेल में चार्ट जो ऑप्शन है, ये चार्ट का जो प्रश्न है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कई बार पूछा गया है। चार्ट हो गया, फंक्शंस हो गए, फॉर्मूला हो गए, ये एक्सेल के अंतर्गत ऐसी चीजें होती हैं जो कई बार रिपीट की गई हैं। ठीक है, तो इनको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। मुख्य रूप से चार्ट को बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। तो जैसा कि यहाँ पर चार प्रश्न दिए गए हैं, सबसे पहला प्रश्न वही एमएस एक्सेल के अंतर्गत चार्ट से रिलेटेड, चार्ट को समझाइए और चार्ट को क्रिएट करने के कौन कौन से स्टेप होते हैं। दूसरा है एमएस एक्सेल के बेसिक और मुख्य फीचर को समझाइए। तीसरे प्रश्न में बताया कि किस प्रकार से आप किसी सेल को स्प्लिट कर सकते हैं, रिमूव और रिसाइज कर सकते हैं कॉलम और रो को। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन भी चार्ट से रिलेटेड है कि चार्ट के विभिन्न प्रकार समझाइए। तो मुख्य रूप से दो प्रश्न चार्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और इसके अलावा एक्सेल से रिलेटेड एक प्रश्न है कि एक्सेल के विभिन्न फीचर्स को समझाना है, क्या क्या फीचर्स, क्या क्या विशेषताएं एक्सेल आपको प्रोवाइड करता है। और एक क्वेश्चन जो है वो एक्सेल की विंडो से रिलेटेड है, एक्सेल में कौन कौन से, किस प्रकार से आप रो और कॉलम को स्प्लिट कर सकते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो तो यहां पर अपना एक्सेल आपके सामने एक्सेल की विंडो ओपन है। एक्सेल विंडो को जिस प्रकार से दिखाई दे रही है, यहां पर ये होते हैं कॉलम ए बी सी डी। थोड़ा सा बेसिक मैं आपको समझा देता हूँ। ए बी सी डी ई एफ जी ये लिखे, ये है तो कॉलम होते हैं। ये जो 1 2 3 लिखे हैं ये होते हैं रोज। रो और कॉलम को इंटरसेक्शन से ये जो बॉक्स बनते हैं इसको बोला जाता है सेल। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? सेल। प्रत्येक सेल का एक एड्रेस होता है जिसको हम सेल एड्रेस भी कहते हैं। जैसे कि कॉलम का नंबर सी और रो का नंबर 4, तो इस सेल का एड्रेस होगा C4। ठीक है, ये बात आपको याद रखना। अगर आपने एक्सेल यूज नहीं किया है तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला कोई भी फंक्शन विदाउट एड्रेस के काम नहीं करेगा, उसमें आपको एड्रेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी कारण से सेल एड्रेस की जानकारी आपको होनी चाहिए। अब ओवरऑल ये पूरे कहलाता है वर्कबुक। एक्सेल की जो है ये वर्कबुक कहलाती है। प्रत्येक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट आपको दिखाई देती है। यहां पर आप देख पा रहे हैं Sheet 1, Sheet 2, Sheet 3 नीचे आपको दिखाई दे रही है। इसको आप चाहे तो राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं। आप 10वीं का डेटा रखना चाहते हैं तो यहां पर आपने कर दिया 10th। एक सीट में आप 12वीं का डेटा रखना चाहते हैं तो यहां पर रीनेम करके कर दिया इसको 12th। इस प्रकार से आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। इसमें आप कलर वगैरह भी चेंज करना चाहें तो ये सारी चीजें आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। इसके बाद अगर किसी कॉलम को आपको ऐड या रिमूव करना है तो राइट क्लिक करना है, इंसर्ट करेंगे, ऐड करने के लिए डिलीट करेंगे, यहाँ पर डिलीट बटन को क्लिक करेंगे अगर डिलीट करना हो। सेम चीज रो में होती है, रो को अगर आपको इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कर बटन से कर सकते हैं, डिलीट करना है तो डिलीट बटन से कर सकते हैं। अगर आपको किसी कॉलम का साइज छोटा बड़ा करना है तो आप डायरेक्ट उसको क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर इस प्रकार से मूव करके चेंज कर सकते हैं। और अगर मान लो यहाँ पर अभी हमारे पास देखिए, ये हमने कुछ कॉलम है जिनके साइज और रो जो है उनके कुछ साइज को सबको अलग अलग कर दिया है, सब यहाँ पर साइज अलग अलग प्रकार के दिख रहे हैं, इन सबको आप चाहते हो एक जैसा करना, तो हम यहाँ सबसे कॉर्नर पे क्लिक करेंगे। कॉर्नर पे क्लिक करके एक साइज हम सेट कर देंगे किसी का भी, सारे के सारे जो बॉक्स हैं, रो हैं, कॉलम है, वो उसी साइज से सेट हो जाएंगे। मतलब आपको ऑल सेलेक्ट करके इसको रीसेट कर लेना है, जिसके माध्यम से आप इसे आसानी से एक साथ रीसेट कर सकते हो। ये तो हो गया आपके पहले एक प्रश्न का उत्तर, जिसमें ये जिसको एक्सप्लेन करना था आपको जानकारी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में कि कौन कौन से मुख्य फीचर्स है इसमें। तो एक्सेल के मुख्य अगर इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आती है कि एक्सेल जो है वो आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देता है। मतलब सारी चीजें आप ग्राफिक्स चित्रों के माध्यम से कर सकते हैं। स्वतः पुनर्गणना यानी कि ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन ये आपको करके देता है। ये पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहे, ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं विशेषताओं में। ठीक है, स्वतः पुनर्गणना या ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन जिसको बोलते हैं। यूज ऑफ फंक्शंस, फंक्शन का प्रयोग होता है, जैसे आपको डेट के लिए फंक्शन होता है, टाइम के लिए फंक्शन होता है, सम फंक्शन का उपयोग होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसका उपयोग किया जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अगर यहां पर एक नंबर लिखा है मैंने 2 और यहां पर लिखा है मैंने 3, यहां पर लिखा 4 5 6 या कोई भी इस प्रकार से आप सीरीज चला रहे हो, यहां पर मैं एक आपको सीरीज दिखा देता हूं, ये मैंने कुछ नंबर लिखे, इन नंबर लिखने का यहाँ पर मैं चाहता हूँ इन सबका एडिशन हो जाए, जोड़ा जाए। हम फंक्शन चलाते हैं एज इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन और पहला एड्रेस कॉलन लास्ट एड्रेस ब्रैकेट बंद और इसको कर देते हैं एंटर। जैसे एंटर करते हैं ये ऑटोमेटिक यहाँ पर इसको एडिशन करके हमको दे देते हैं। ये कैसे काम हुआ,
ये सम फंक्शन के कारण काम हुई, एक फंक्शन है जिसको हमने यहाँ पर रन किया, ठीक है। तो एक्सेल में ये फंक्शन की सुविधा आपको मिल जाती है, फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं, डेटाबेस की सुविधा आपको मिलती है, ग्राफ आप क्रिएट कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं और सेविंग और प्रिंटिंग से संबंधित काम भी आप इसमें कर सकते हैं। अब ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं जिसको आप अपने मन से भी डिटेल कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। एडिटिंग से संबंधित भाई आप इसमें कोई भी बदलाव कर सकते हो आसानी से, कुछ इसमें आपको गलत हो गया आप उसको सुधार सकते हो, ग्राफ्स को ऐड कर सकते हो, चार्ट को ऐड कर सकते हो ना, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अब चार्ट की बात करते हैं, कौन कौन से चार्ट यहाँ पर होते हैं। तो मुख्य रूप से अगर चार्ट की बात करें कितने प्रकार के चार्ट होते हैं, कुछ चार्ट के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, लाइन चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, हिस्टोग्राम चार्ट होता है, मैप्स चार्ट होता है, एरिया चार्ट होता है, नंबर चार्ट होता है। अब अगर मैं एक्सेल में ओपन करके आपको दिखाना चाहूंगा कि एक्सेल में कितने प्रकार के चार्ट होते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे, इंसर्ट ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको देखिए चार्ट ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अदर ऑप्शन में जाते हैं, ऑल चार्ट टाइप में ओपन कर लेता हूं। ऑल चार्ट टाइप के अंतर्गत अगर हम आके देखते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कॉलम चार्ट सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, कॉलम चार्ट जिसमें कुछ इस प्रकार से सीधी सीधी बार लाइन होती है। इसके बाद लाइन चार्ट होता है जिसमें दो लाइन को कंपेयर किया जाता है। पाई चार्ट होता है जिसमें इस प्रकार से गोल पाई के आकार का जो है चार्ट डिजाइन किया जाता है। बार चार्ट होता है, कॉलम चार्ट और बार चार्ट में इतना अंतर होता है, कॉलम चार्ट में सीधी लाइंस होती हैं, बार चार्ट में रो के फॉर्मेट में लाइंस होती है। एरिया चार्ट होता है कुछ इस प्रकार से, एक्स वाई स्कैटर चार्ट बोलते हैं। स्टॉक चार्ट होता है जिसको स्टॉक मार्केट में भी इस्तेमाल किया जाता है। सरफेस चार्ट होता है और इसके अलावा और भी यहाँ पर बबल रडार आपको अलग अलग प्रकार के चार्ट दिखाई देंगे। यहाँ लेफ्ट में आपको नाम दिखाई दे रहे हैं, अगर आप इसको लिखना चाहें तो इन सभी के नाम को आप लिख सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप कॉलम के अंदर थोड़ी सी दो लाइन करके उसका डायग्राम आपको बना देना है। कॉलम चार्ट किस प्रकार से होता है, लाइन चार्ट किस प्रकार से होता है, पाई चार्ट किस प्रकार से होता है, इनकी डिजाइन आपको बना लेनी है। अगर आपको इनकी डिजाइन यहां पर समझ में नहीं आ रही, गूगल पे आप सर्च करेंगे इनके नाम से, इनकी डिजाइन आपको मिल जाएगी। आप आसानी से अपने कॉपी पे कहीं पर इन सभी की डिजाइन को नोट डाउन कर लें और एग्जाम में इस डिजाइन को जरूर बना के आइएगा अगर चार्ट का क्वेश्चन आता है आपके में तो, ठीक है। तो यहां पर मुख्य रूप से हमने चार प्रश्न है, चार्ट से रिलेटेड प्रश्न हो गया पहला। चार्ट होता क्या एक्चुअली में, एक डेफिनेशन मैंने आपको बताना भूल गया हूं। चार्ट क्या होता है, किसी भी प्रकार के डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसको हम चार्ट कहते हैं, ठीक है। जब आप किसी डेटा को, जब किसी टेबल को आप चार्ट के रूप में या ग्राफिक्स के चित्रों के रूप में कंपेयर करना चाहते हैं, प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं चार्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपके चार प्रश्न, चार्ट से रिलेटेड, बेसिक फीचर्स से रिलेटेड और एक्सेल विंडो से रिलेटेड। अब मिलते हैं अगली यूनिट, यूनिट फिफ्थ के साथ अगले वीडियो में।